जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट दिल दियां गल्लां दिल दे चैनल दे उत्ते तुहाडे अपने चैनल दे उत्ते अपने पंजाब दे लोगां नाल सिख विरासत दियां करन लगा अज और यह करदियां करदियां जे ये देखा जाए तो अज मन बड़ा दुखी है कि जेडे नारायणू महंत नूं गुरद्वारियां तों ननकाना साहब तों मोर्चा ला के आजाद करवाउण लई अकाली दल अपने आप नूं कहिंदा कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनिया सां। अज उही अकाली दल ने महंतनी जिहड़ी है जगीर कौर वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बना के कि सेवा की है। ये सेवा जिहड़ी सी उन्हां नूं करके गलती का एहसास हो गया भी गुरद्वारे आजाद कराते महंतां तों ते वह एक गलत काम हो गया। तो अज बादलों की सरकार ने जिहड़ा 40-50 साल के अरसे अपना गलबा कायम किया उस दे विच जिन्ना भी श्रोमणी अकाली दल का शानदार ते सुनहरा इतिहास सी उस दे उत्ते पानी फेरन लई महंतनी जगीर कौर जिहड़ी कि पंजाब की मंत्री रह चुकी है जिहड़ी दो वारी इलैक्शन लड़ चुकी है जिहदा अपना डेरा है वह ये गल्लां नूं प्रफुल्लत ते प्रचलित कर रही है जिस की मिसाल उगड़ के श्री गंगसर साहब गुरद्वारा जैतों जिला फरीदकोट तो आई सामने और उत्थे भी अजिही गल जे कही जाए माई भागो नित्री अज की माई भागो नित्री है जिसने ये गल कह के कि इत्थे SGPC दे मुलाजम जिहड़े ने वह रंग रलियां मना रहे ने और उस दे विच भी अज जिहड़ी सिखी है उस सिखी नूं बचाउण दी खातर उस बीबी ने महंतनी जगीर कौर दे नाल जिहड़ी गलबात कीती जिहड़ी वार्ता कीती तां उहदे विच बीबी जगीर कौर ने उहनां नूं जो जवाब दित्ता वह बड़ा निराशाजनक होके उगड़ के सामने आया जिहदे विच उह कहिंदी कि SGPC दे प्रधान इदां नहीं आया करदे जे इदां नहीं आंदे ते उह इसी कमरे च बह गए ने जम गए ने उत्थे जां उहनां नूं अजिहियां गल्लां दे विच कि सानू साडियां रोटियां सिक रहीआं बादल दी वजह करके जिस वजह करके असी अपने डेरे तों निकल के पंजाब दे या SGPC दे अधिकार खेत्र विच या बादलों दे अधिकार खेत्र दे विच जिन्ने भी गुरद्वारे आंदे ने उहनां नूं रंग रलियां दे अड्डे बनाउणा ये महंत नारायणू वाली गल जिहड़ी है सिख कौम याद कर लवे। सिख कौम जिहड़ी है वह चुप करके नहीं बहन वाली इत्थे मैं सारी सिख कौम नूं सद्दा दिंदा अज दे जिहड़े महंत ने गुरु साहब ने भी अपने वेले च महंत साड़े सी ते महंत नारायणू नूं भी उत्थे जंड नाल बन के ननकाना साहब दे विच छड्ड दित्ता गया सी। ये सिख परंपरा सिख रीति है साडा सिखां दा अपना कानून है और उस कानून के मुताबिक ये चलना पेगा और जेडे जे तो महंतरी जिहड़ी है जगीर कौर अपने आप नूं समझदी है बई मैं गलत हाँ या ये मैं जेडे इशारियां ते चल रही हाँ या मैं RSS दे इशारियां दे उत्ते जेड़ा भी बादलों ने सिख इतिहास नूं वरतन दा या तोड़न दा या मरोड़न दा एक कुछ यतन किया उस यतन दे विच मैं भागीदार हाँ या ये भागीदार नहीं है। जे नहीं है भागीदार तो ये स्पष्ट करे सिख कौम नूं स्पष्टीकरण देवे कि इसका रोल की है इस अदाकारी दे विच। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिन्हें भी मैंबर ने वो सारे इस दोष के भागी ने कि जिन्हों ने इस रंग रलिया के जड़ा कल्चर है गुरद्वारियां दे विच जिहड़ा सिख कौम ने तबाह किया सीगा महंतां नूं साड़ के जिहड़ा ये कार्यवार शुरू किया सी जिहदे मुताबक सिखां नूं गुरद्वारियां दा प्रबंध करना पिया सी जिहदे वजों जिहदे सिट्टे वजों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई और उस दी होंद 100 साल दे विच खत्म होण नूं आ गई है। श्रोमणी अकाली दल दा सुनहरी विरसा जिहड़ा वह खत्म होण नूं आ गया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल दोनों की इत्थे जवाबदेही बनती है सिख कौम जिहड़ी है सरबत खालसा सदे और इन्हां नूं उत्थे सद के तनखाइया करार दे के जां ते इन्हां नूं सिख पंथ विचों छेकिया जावे या इन्हां नूं सिख रौह रीतां दे मुताबक जिहड़ी है उस दी सज़ा तजवीज़ की जाए। मेरी इह सारे सिख जगत नूं हथ जोड़ के बेनती है इस बेनती नूं सिख जगत प्रवान करे और मैं इत्थे एक गल कहनी चाहवांगा
कि जदों भी पंथक सरकार बादल साहब की पांच वारी आई है उदों पंथ दे बंदे मरे ने। किहो जी पंथक सरकार थी जिदे विच सिर्फ पंथ दे उत्ते ही अत्याचार होए। जे असी इत्थे एक गल करिए छोटी जी, करमपाल सिंह संधु जिहड़े होए ने केपीएस गिल जिहड़े होए ने उन्होंने ये गल कही सी अपनी किताबों के विच, गल लिखी है कि 1994 के अरसे दे विच जदों खाड़कूवाद जोरां ते सी उस वेले बादल दिने ते राती किवें ते किस हिसाब नाल विचरदे सी उहदे विच उन्होंने इसका पूरा प्रगटावा किया। उस वेले बादल साहब मुकबरां दे भी भोगां ते भी जांदे सी ते खाड़कूआं दे भोगां ते भी जांदे सी। फिर उन्होंने डी जी पी सुमेर सैनी नूं जिहड़ा कई सिख बच्चों का कातल है, नजायज़ तौर पर जिहड़े सिख बच्चे मरे उन्हों का कोई बेरा या ब्यौरा नहीं आया, अजे तक वह भुगत रहे ने केस, और भुगत रहे केस के विच उन्होंने डी जी पी लाना पंजाब पुलिस का एक किड्डा वड्डा बादल सरकार की प्राप्ति सी, श्रोमणी अकाली दल की प्राप्ति सी। इस प्राप्ति नूं सिख कौम विचारे कि यह किहो जे जिहड़े ने भेड़िए ने, यह भेड़िए ने किस हिसाब के भेड़िए ने, यह किस हिसाब नाल सिख जगत नूं सिख प्राप्तियां नूं सिख सुनहरी इतिहास नूं किहदे हत्थां विच खेड़ के ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਸਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1997 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹੰਤਨੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਥ ਨਾਲ अपनी जिहड़ी है प्रधानगी छड के वापस चली जाए तो वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगे ही अकाली दल का जिहड़ा सेहरा है वह बड़ा वड्डा हो गया, पापा नाल किसी होर चीज़ नाल नहीं, सिर चुकदा शर्म नाल सत्कार नाल नहीं। और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान जिहड़ी है इस गल की जवाबदेही देवे, और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मैंबर ने वह भी इस गल की जवाबदेही तय करन कि उन्होंने इस प्रबंध के अपने अपने एरिए जिहड़े भी सिख गुरद्वारे ने उन्हों का प्रबंधन किस तरह का चलाया होया, और जिहड़े भी एस जी पी सी दे मुलाजम हैं जिहड़े सच्चे सुच्चे सिख हैं जिन्हों बारे ये कहा जाता कि वह आर एस एस के गलबे नहीं, सगों वह अपनी आवाज़ चुकते हैं तो उन्होंने नौकरियों तो बर्खास्त कर दिता जाता। ये नौकरियों तो बर्खास्त क्यों किया जाता है? आर एस एस का गलबा जिहड़ा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस दे जिहड़े सिद्धांत ने तुसीं पढ़ लो, ये जिहड़े ने पूरे हिटलरवादी ने, हिटलरवादी प्रधान जे अडोप्ट करनगे इन्हां दे सिद्धांतां नूं तां उन्हां दा हशर भी महंत नारायण वांगू होण वाला है। इत्थे इक गल जिक्र करन योग है, जदों असीं कोई भी गल करदे हाँ किसी तरह भी गल करते हैं बीबी जगीर कौर दे वल फिर ध्यान जाता कि इस महंतनी ने अपने डेरे तो इलावा आमदन का प्रबंध करन तो इलावा इसने एस जी पी सी के जिन्हें गुरद्वारे ने उन्हां दी जिहड़ी गोलक है वह बादलों के हक विच किन्नी लुट के पाई है। एक गल छोटे हुंदिया तो सुनते सां कि सोने दियां ਕਈਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਰਤ ਬਿਠਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ
रणजीत सिंह उन्होंने जथेदार रणजीत सिंह उन्होंने तो प्रत्यक्ष तौर पर मिलती है, उन्होंने तनखा नहीं सी ली। हुण जिन्हें भी जथेदार आते हैं वो सारे तनखावां लैंदे ने, वड्डियां वड्डियां तनखावां लैंदे ने, कारां दे विच तुरदे फिरदे ने, और जिस तरह की उन्हां दी ऐशो आराम है उसनू वो छड्ड नहीं सकते, और उसनू ना छड्डन की वजह करके बादल अकाली दल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी नू अपने गलबे विच लई फिरदा और उन्हां तों हर गलत काम कराने यतन कर रहा। देखो एक चीज होर इत्थे तुहाडे विचार अधीन लिया देवां, पंजाबी बाग दिल्ली दे विच एक एंटरटेनमेंट पार्क बन रहा है जिदे विच RSS दी ते बीजेपी दी जिहड़ी है मिली भुगत दे नाल दरबार साहब दा जिहड़ा मॉडल रेपलीका जिहनूं कहिंदे आ असीं उत्थे इन्हां ने स्थापित करन दा यतन कीता। जदों इस गल दा पता लग्गिया तां सिखां ने उत्थों दे ने विरोध कीता। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुती हुई है जिहदे विच मनजिंदर सिंह सरसा जिहड़े ने उह बीजेपी दे MLA भी ने, उन्होंने आवाज़ तक नहीं चुकी। ये किहो जी निगरानी कर रहे ने मनजिंदर सिंह सरसा दिल्ली अकाली दल वाले जिहड़े ने उह बादल नाल जुड़े हुए ने, और जिहड़े मनजिंदर सिंह सरसा दे तार ने प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਵੇਸਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਪਲੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 268 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਛੁਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕੋ ਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਭਰਮ ਭਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਇਸਤੇਮਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਕਮਾਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 2022 ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ
कि तुहानूं बेनती है सरबत खालसा सद लो अपने गुरद्वारे बचा लो सिखी बचा लो देश बचा लो ये तुहाडी सिख कौम की बड़ी वड्डी जिहड़ी है एक देन होएगी देश लई। इन्ना कहिंदा होया मैं तुहानूं एक बेनती करना इस चैनल नूं सबसक्राइब करो वध तों वध लाइक करो शेयर करो और अपने सुझाव जिहड़े ने सानूं दिओ तां कि असी आ रही अगली जिहड़ी नई गल है उस दे उत्ते भी तवज्जो दे सकीए और पंजाब दे लोगां दी खिते दे लोगां दी पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली ते चंडीगढ़ दे लोगां दी इस खिते दे लोग जिहड़े ने बड़े ताकतवर ने इन्हां दे जिहड़े खिताबाद बना के हरियाणा स्टेट वक्री बना के हिमाचल वक्री बना के यूटी चंडीगढ़ वक्री बना के दिल्ली वक्री बना के पंजाब छोटा करके एक अजिहा इन्हां ने कारस्तानी की है जिहदे नाल इन्हां ने देश की सेवा नहीं की लेकिन यह सोच के कि इतों के खिते के लोग जड़े ने कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होने तो बाद जड़ा इन्हों सू कमज़ोर करके की लोगे असी तो वफादारियां कीतियां देश नाल 99% जड़ियाँ साड़ियाँ शहीदियां ने भारत की आज़ादी के 99% जड़ियाँ सरकारी नौकरियां कौन मान रहे ने ये तुहानू भी पता है ब्राह्मण जेडे 99% सीटां दे उत्ते बैठे हुए ने और वो इसका संचालन कर रहे हैं। अज तुसीं देख लो सुप्रीम कोर्ट के विच ते हाई कोर्ट के विच जिहड़े जज ने वह किन्ने कु ने जे इत्थे एक गल कीती जावे कि 99% सिखां दीआं कुर्बानियां देश लई ने ते 99% जिहड़ी गवर्नेंस है जिहड़ी हिंदुस्तान की वह सिखां दे हथ विच होनी चाहीदी है ते महाराजा रणजीत सिंह का राज आपे ही आ जाएगा। इस चीज़ नूं जरा विचारियो गौर करियो। इन्ना कहिंदा होया मैं तुहाडे तों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी के कह फतेह कह के छुट्टी लैना गुर।